प्रतापगढ़ प्रतापगढ़ पापा पापा माऊ 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 आ जा। बस 15 मिनट में खुलने वाली है, 15 मिनट में रायबरेली जाएगी। रायबरेली 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 आ जाओ भाई साहब। ए चंदुआ वहां पे देख, चल तन्मय। हेलो ए कुछ बोले से पहले हमारी बात सुन, अगर आदर्श का माफी दिलावे की बात करनी है ना तो हमारा जवाब ना है, समझा? हमने आपको इसीलिए फोन किया है कृष्णा भाई, प्लीज आदर्श भाई को माफ कर दीजिए। अरे काहे माफ कर दे हैं निक, काहे माफ करे उका? वो बहुत 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 डरा हुआ है, बहुत बुरी हालत है बेचारे की, हमसे उसकी हालत दिखी नहीं जा रही। आदर्श तुम्हारे साथ है? ए सुनो, पहले हमका ये बताओ कि तुम दोनों हो कहां पे, पहले मिलेंगे साला ओकरे बाद फैसला होएगा क्या करना आदर्श का। कृष्णा भाई हम नहीं चाहते कि हमारे साले के साथ कुछ भी बुरा हो, इसलिए हम आपको बता नहीं सकते कि इस वक्त हम और आदर्श कहाँ हैं। वैसे भी आदर्श भाई ने आपसे और कोमल भाभी से माफी मांगने के बारे में तय कर लिया है। अरे हमका माफी वापी से कुछ तो लेना देना नहीं, साला बहुत गलत किया, बहुत गलत किया, उसकी सजा मिलेगी, उका छोड़ेंगे ना साले का। गुंडो प्रतापगढ़ पापा मऊ आ जाओ आ जाओ, बस 15 मिनट में खुल जाएगी भैया, आ जाओ आ जाओ। हाँ यही है, चढ़ जाओ भैया, आ जाओ भाई आ जाओ रायबरेली। हेलो मऊ 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 प्रतापगढ़ 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 रायबरेली रायबरेली आ जाओ भाई। कुछ सुनाई नहीं दे रहा कृष्णा भाई, चलो जोर से बोलिए। रायबरेली 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 रायबरेली। हेलो रायबरेली 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 रायबरेली। ए तन्मय कुंडा कुंडा प्रतापगढ़ 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 प्रतापगढ़। हेलो हेलो आ जाओ भाई साहब, 15 मिनट में बस खुल जाएगी, आ जाओ, टाइम हो चुका है भाई साहब, आ जाओ। खाओ भैया, आदर्श का कुछ पता चला का? बे यार एकदम से आवाज आई बंद हो गई। बाकी तन्मय जहां से फोन कर रहा ना वो कोनो बस स्टॉप रहा। अरे ऊंचा हार कुंडा प्रतापगढ़ रायबरेली सबकी बस वहां से जा रही थी। भैया ये सब जगह के लिए तो एक को जगह से बस बनती है आजकल, वो बेली हॉस्पिटल के पास मयूराबाद से। साला ये दोनों कहीं इलाहाबाद छोड़ के कहीं रायबरेली तो नहीं जा रहे हैं? हाँ भैया हो सकता है। ए, जल्दी चलो चलो भैया। देखिए ठाकुर साहब ये आपके यहां भी तो औरतों पर अन्याय होता रहा है, ये तो घरेलू झगड़े हैं ठाकुर साहब, हमें बच्चों को समझाना चाहिए। और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आदर्श दोबारा जिंदगी में कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा। बाबूजी आदर्श हमारा पति है और उसे ना पहली बार ऐसी गलती हुई है। मुझे हम मानते कि आदर्श गलत किया है और इसलिए ना हम भी उसे बहुत गुस्सा है। हम जानते कि बहुत गलत किया, तुम उनको जितना डांटते हो उतना डांट लो, बाकी हम आदर्श को माफ कर दो। ये बेटा ये सुन, तो भाग का है रहा है, गलती किए है तो आके सामना काहे नहीं करता। अरे प्रोफेसर साहब उसे खाली इतना कह दो कि एक बार आए के हमारे सामने पेश हो जाए, हाजिरी ही तय के जाए तो मिल लेगा हमसे, तब हम सोचेंगे कि उसका कौन सी सजा दी जाए, नहीं तो हमारी प्रोफेसर साहब खोपड़ी नहीं शांत होगी, इतना हम बताए दे रहे हैं। अभी अभी बुलाते हैं मुझे। गाने पे आप लोगों ने कमाल का डांस किया, कितनी अनोखी जुगलबंदी है तीनों की। बिल्कुल तुम्हारी अनोखी आवाज की तरह बंधु, और जब तुम बहुत बड़ी सिंगर बन जाओगी ना हाँ। तो अपनी सहेलियों को भूल मत जाना हा? और क्या पता
तुम्हारे सुरों के इस सफर में तुम्हें कोई हम सफर मिल जाए। शर्मा रही है। बातें कुछ अनकही सी, कल से रात 9 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। ये क्या कर रहे थे आप? फोन क्यों उठा रहे थे? तन्ना, हमारे पापा का फोन था, हमारा हाल चाल पूछना चाह रहे हो। उन्हें कितनी चिंता हो रही होगी हमारी। कृष्णा भी तो पापा से जबरदस्ती फोन करवा सकता है ना, उसे तो पता करना है आप कहाँ हैं। आदर्श भाई, अब आप किसी से भी बात नहीं करेंगे, फिलहाल आप सबसे छुप कर, समझे आप? आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है और हम आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करने दे सकते जिससे आपकी जान को खतरा हो। आप इस वक्त कहाँ हैं, ये बात आप किसी से नहीं कहेंगे। तुम सही कह रहे हो। थैंक्स हमारी मदद करने के लिए। तन्मय, हमने तुम्हें समझा नहीं सही से, हमने हमेशा तुम्हारे साथ गलत किया है, हो सके तो हमें उस गलत व्यवहार के लिए माफ कर देना। हमारे बीच बहुत सारी गलत फहमियाँ थी, हमें आज पता चला है कि हमारे सबसे अच्छे दोस्त तुम। थैंक्स तन्मय। इसकी कोई जरूरत नहीं, हम आपके साथ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और आखिर अपने ही तो अपनों के काम आते हैं। चलो चलो दिल्ली दिल्ली दिल्ली, चलो दिल्ली 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 दिल्ली, चलो बस निकलता भाई, दिल्ली दिल्ली दिल्ली, चलो दिल्ली वाला बस, दिल्ली वाला, चलो बस निकलता भाई दिल्ली। अभी हाल ही में कोनो बस निकली गई यहाँ से? अरे नहीं भैया, यहाँ से कोनो बस नहीं गई है, ये पहली बस है। पहली बस? चल दो, अभी कोनो बस नहीं निकली, ये का मतलब दोनों को दोनों यही कहे कि हमका आवाज यही क्या है, मतलब यही के छुपे बैठे हैं। जो हमका पूरा यकीन यही कहीं आसपास है सारे। एक काम करो, तुम वहां जाके देखो, हम देखते हैं। ठीक है भैया। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अपने गुस्से में आकर हमने अपनी बीवी पर हाथ उठाने की कितनी भयानक भूल कर दी। कोमल हमारे लिए पढ़ाई कर रही थी और हम ही ने उसके साथ इतना गलत किया। लेकिन तन्मय, तुम्हें ने हमारे अंदर उसके लिए गलत फहमी पैदा की। तुम्हें हमें ऐसा दिखाया जिस पर हम, इसे देखकर हम कोमल पर शक कर बैठे। हाँ आदर्श भाई, हम मानते हैं कि कोमल भाभी के खिलाफ हमने ही आपके विचारों को तोड़ा मरोड़ा, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि एक बार भी आपने मेरे बारे में नहीं सोचा। क्या मतलब है तुम्हारा तन्मय? और इसमें तुम्हारे बारे में सोचने की क्या जरूरत थी? यही तो बात समझने वाली है आदर्श भाई, जो आप नहीं समझे। सारी गणित बिगाड़ के रखते, अच्छा खासा आप दुबई जा रहे थे सेटल होने के लिए, और हम आपकी उसमें मदद भी कर रहे थे। आपके और कोमल भाभी के रिश्ते को बचाने की कितनी कोशिश की हमने, आज भी इस मुसीबत की घड़ी में आपकी मदद करने आगे आया कौन? हम। लेकिन ये तो गलत है ना आदर्श भाई, कि एक आदमी दूसरे के लिए इतना कुछ करे, और आप कोमल भाभी की बात में आकर बड़े आसानी से एक दिन कह दिए कि एक महीने के भीतर भीतर मेरे घर को खाली कर दो। तन्मय, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। ये साले अंग्रेज अच्छा शब्द छोड़ के चले गए, किसी का कला काट दो और बोल दो बड़ी आसानी से सॉरी। लेकिन आपके सॉरी बोलने से हमारी जिंदगी में जो चीजें बिगड़ी आदर्श भाई, वो तो सही नहीं हो जाएंगी ना। घर का बेटा जब घर में ही है तो आज बाहरी को बेटे का दर्जा कौन देगा? कितना फैल के रहता था मैं,
जिस अधिकार से मैं रहता था वो आपके रहते तो नहीं हो पाएगा ना आदर्श भाई। आप एक अच्छे इंसान हैं आदर्श भाई, लेकिन आपने यहां रुककर हमारे साथ बहुत बुरा किया। बताइए आदर्श भाई हम क्या करते हैं? अपने साथ गलत होने देते नहीं ना? अब जो बिगड़ा है उसे सही तो करना पड़ेगा ना। इसलिए आदर्श भाई अब हम चाहते हैं कि आप फाइनली यहां से चले जाएं। आदर्श भाई हमें अपने आसपास क्राउड पसंद नहीं है।